नमस्कार साथियों, केवी स्टेजी टी हिंदी श्रृंखला में मैं विरियन ब्यूटी क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं राम बाल राम कथा। उसी के क्रम में राम का वन आगमन आज हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वन राम का वन आगमन। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सारी रात भर जागे थे। कैकई अपनी जिद पर अड़ी हुई राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्यभिषेक की तैयारी करते हुए, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था, दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। महामंत्री सुमंत कुछ असहज थे, महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दशरथ के महामंत्री कौन थे, तो महामंत्री का नाम सुमंत्र है, याद रखिएगा। कहीं कहीं पे सुमंत भी देखने को मिलता है, तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। पिछले शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोग के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते सुमंत को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे तो देखा कि महाराजा पलंग पर पड़े हैं, बीमार दीनहीन। सुमंत का मन भांपते हुए कैकई ने कहा, चिंता की बात नहीं मंत्रीवर, महाराज राजाभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं, वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात, सुमंत ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राजाभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चले। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए, लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे, वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकई को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी कुछ थोड़ी देर तक चुप्पी रही। कोई कुछ हटा, कोई कुछ नहीं बोला, तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, आप ही बताइए माते। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार दो वरदान दिए थे, मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं, यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है, कैकई ने बोलना जारी रखा। मैं चाहती हूँ राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम संयत रहे, उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कौशल्या के चेहरे पर कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब देखते रहे थे, स्पंदहीन कैकई की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास, उन्हें माता कौशल्या को कैकई भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे, कौशल्या यह सुनकर सुख खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन जाने ना दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, मुझे आशीर्वाद दे। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन का भाग बस आया उलट फेर कहा,
लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूं कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसे राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता आपके सहारे ही की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हूं, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी। माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया, कहा, प्रिय तुम निराश मत हो, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी, तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहें, इसकी अनुमति दे चुके थे। फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया, सीते वन का जीवन बहुत कठिन है, ना रहने का ठीक स्थान, ना भोजन का ठिकाना, कठिनाइयां कदम कदम पर, तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने वचन से पलट नहीं सकते। राम वन जा रहे हैं यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को दिक्कत रहे थे। कुछ देर पहले जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहीं उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थे, लोगों के आंसुओं से सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। राम सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे, तीनों रानियां वहीं थीं, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान दर्शन नीति रीत परंपरा सबका हवाला दिया कैकेयी अड़ी रही। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति तुम्हारी वचनबद्ध है, मैं वचनबद्ध ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूं, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो, यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए पर उन्हें नीति के साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इसे और न बढ़ाएं। आगे देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। इसी बीच रानी कैकेयी ने लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल वस्त्र वो होते हैं जो पहने जाते हैं कहीं बाहर जाने के लिए। वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। वल्कल मतलब तपस्वियों के वस्त्र, जो तपस्वी पहनते हैं, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबके अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहां कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष महिलाएं बूढ़े बच्चे जवान मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था।
उन्होंने सुमंत से रथ की गति और रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं, थककर पीछे छूट जाएं और घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम सीता लक्ष्मण साई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष के बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वे गंगा किनारे पहुंच गए। संगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। तो ये नाम याद रखिएगा कि संगवेरपुर जो है संगवेरपुर गांव है और निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया था, तो ये चीज आप याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं। गुहराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत तट पर खड़े रहे, वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वे अयोध्या लौट आए। सुमंत का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत बिना कुछ कहे सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौसल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है, सीता कैसे हैं, लक्ष्मण का क्या समाचार है। वे कहते रहे, क्या खाते हैं। सुमंत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत को पता था कि दशरथ इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही। बढ़ती गई वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। आपकी राय में राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना। तो इस तरीके से ये वन गमन का पाठ समाप्त होता है। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय